छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर इस बार किसानों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। नतीजा ये रहा है कि प्रदेश में पहली बार 83 लाख मीट्रिक टन तक की धान खरीदी हुई है। किसानों के लिए खुशी की बात यह भी रही कि बिक्री के तीसरे से लेकर चौथे दिन तक भी खाते के जरिए किसानों को सीधा भुगतान भी हुआ। राज्य सरकार की माने तो अभी तक 14,000 करोड़ से अधिक भुगतान किसानों को किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में धान के भंडार की ये तस्वीरें किसानों की खुशहाली की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं राज्य के उन किसानों की जिन्होंने भूपेश सरकार पर भरोसा जताया है। उन किसानों की ये तस्वीरें हैं जिन्होंने इस बार धान के उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार की नीतियों का असर, किसानों ने इस बार धान की जमकर खेती की और नतीजा ये रहा कि 83 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहते हैं कि किसानों को आगे बढ़ाने का सरकार काम कर रही है। हमने किसानों से धान खरीदी के साथ ही भुगतान किया है। 14 लाख करोड़ का भुगतान अब तक किसानों को किया जा चुका है। खाद्य मंत्री किसानों की धान खरीदी पर बात करते हुए बेहद खुश नजर आए। जो धान खरीदी के सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके छत्तीसगढ़ में इतिहास में पहली बार इतना रिकॉर्ड धान खरीदी हुआ था, जहां किसानों को सीधे उनके खाते में 14,000 करोड़ रुपए तीसरे या चौथे दिन मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था इस प्रदेश में किया है, हमारी प्राथमिकता किसान है, किसानों के लिए योजना बनाया है और लाभ हम किसानों को देना चाहते हैं। वास्तव में बंपर धान खरीदी से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। किसानों की आय में वृद्धि से किसानों की नहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। किसानों की दशा सुधरने का ही असर है कि छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं दिखा। कह सकते हैं कि किसानों की खुशहाली और तरक्की से प्रदेश का विकास जुड़ा हुआ है। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।